Hey friends, I've got a good news for you. हेलो दोस्तों, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। When God gives blessings to His favorite children, जब परमेश्वर अपने चहते बच्चों को आशीष देता है, He gives the best, तो वो उन्हें सर्वोत्तम देता है। And He's here to reward you also, और वो आपको भी प्रतिफल देना चाहता है। We see it as per 1 Peter 5:4, और हम इस बात को पहला पत्रस 5:4 के अनुसार से देखते हैं। And we read, "You will receive the crown of glory that will never fade away." यहाँ लिखा है, तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। Such a crown of glory is waiting for us. ऐसी महिमा का मुकुट हमारे लिए इंतजार कर रहा है। When you see the footballers, जब आप फुटबॉल खेलने वालों को देखते हैं, after a year-long season is over, जब पूरे वर्ष का उनका सीजन खत्म होता है, every one of their actions is evaluated and accounted. तो उनके कार्यों और प्रदर्शन को जो है आंका जाता है। How many goals they scored? उन्होंने कितने गोल दागे? What were the amazing goals they scored? उन्होंने कौन से अद्भुत गोल दागे? What was the impact in their team? उनके टीम में क्या प्रभाव था? How they were a leader? वो किस तरह से एक अगुवे की तरह थे? How they motivated others? उन्होंने कैसे औरों को जोश दिलाया? And how much defending they did? उन्होंने कितना बचाव किया? Everything is accounted. सारी बातों का लेखा जोखा होता है। And all their statistics are written. और उनके सारे आंकड़े जो है लिखे जाते हैं। And that's how the best player is chosen. और इस तरह से सर्वोत्तम खिलाड़ी का चयन होता है। And they are awarded the footballer of the year. और तब उन्हें footballer of the year अवार्ड दिया जाता है। Similarly, my friends, all our actions are also accounted by God. मेरे मित्रों, वैसे हमारे भी कार्यों को परमेश्वर के द्वारा से आंका जाता है। So don't say nobody is watching the good that I do. इसलिए कभी न कहें कि जो भला काम मैं करता हूँ उसे कोई नहीं देखता। I will never be rewarded by anyone, so why should I do it? मुझे किसी से कभी इनाम नहीं मिलेगा, तो मैं ये क्यों करूँ? Don't be vexed, my friend. आप परेशान न हो मेरे मित्र। God is watching everything. परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। Not only that, He's accounting all your good actions in the book of life as per Revelations 20. इतना ही नहीं, प्रकाशित वाक्य 20 के अनुसार वो आपके हर एक भले कामों का जीवन की किताब में लेखा रख रहे हैं। What all good you do for the poor and needy? गरीब और जरूरतमंद के लिए आप क्या कुछ करते हैं? What all good works that you do in your life? अपने जीवन में आप कौन से भले काम करते हैं? What all ways you are depicting the Lord in your character? अपने चरित्र में आप किस तरह से यीशु को प्रकट करते हैं? What all sacrifices you do for your family and for others? अपने परिवार और दूसरों के लिए आप क्या कुछ त्याग कर रहे हैं? How much time you spend for the Lord? प्रभु के लिए आप कितना समय बिताते हैं? And what powerful things you do to be a blessing to people? और लोगों की आशीष के लिए आप कौन कौन से सामर्थ्य के कार्य करते हैं? It is all accounted. ये सब कुछ लिखा गया है। And at the end of it, और उसके अंत में, when the Lord comes to receive us to heaven, जब प्रभु हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए आएंगे, He'll say, "You have done well." वो कहेंगे, तूने अच्छा किया है। Now receive my crown of glory. अब मेरे महिमा के मुकुट को ले। And He'll place this crown upon us. और हमारे ऊपर वो इस मुकुट को रखेंगे। And honor us before all people. और सब लोगों के सामने हमारा आदर करेंगे। To be favored by the Lord. ताकि हम प्रभु के प्रिय हो जाएं। My friends, that will be a glorious moment. मेरे मित्रों, वो तो महिमामय क्षण होगा। So always look for that moment and live your life. इसलिए उस घड़ी के इंतजार में अपना जीवन जिए। Just do as the Lord leads you and make Jesus happy. बस आप वही करें जिसकी परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और यीशु को खुश करे। A crown of glory awaits. महिमा का मुकुट आपके इंतजार में है। Shall we receive this grace right now? आइए इसी समय हम इस अनुग्रह को प्राप्त करें। Thank you, Lord, for promising your crown of glory. आपकी महिमा के मुकुट की प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद। It is amazing, Lord. ये तो हमारे लिए अद्भुत है प्रभु। You placing a crown upon us. क्या आप हमारे सिरों के ऊपर एक मुकुट रखेंगे? Lord, help us to live accordingly. प्रभु जी, उसके अनुसार हमें जीने में मदद करें। Help us to live to do good in this world. सहायता करें कि हमें संसार में अच्छा करने पाएं। As per your will. आपकी इच्छा के अनुसार। Make you happy, Lord. और आपको हम प्रसन्न करें। Help us bless people by our actions. सहायता करें अपने कार्यों से हम लोगों को आशीष दें। And help us minister for you. और आपकी सेवा में हमारी सहायता करें। Help us work righteously and right before you. आपके सामने सच्चे और धर्मी बने रहने में सहायता करें। Lord, help us to sacrifice even in times of Lord, toughness. और हर एक कठिन समय में भी हम आपके लिए त्याग करने पाए ऐसी सहायता करें। Please guide us in all these things. और इन सारी बातों में हमारी अगुवाई करें। And we await your crown of glory, Lord. और प्रभु, हम आपके महिमा के मुकुट का इंतजार करें। Reward your children. आपके बच्चों को प्रतिफल दें। Let that glory even move in their life
इन दिस अर्थ और होने दे कि इस पृथ्वी पर वो महिमा जो है इनके जीवन में बढ़ती जाए द सेम ग्लोरी बी एक्सपीरियंस बाय और प्रभु हम भी उस महिमा का अनुभव करने पाए गिव अस सच अ ग्लोरियस लाइफ हमें ऐसा ही महिमा का जीवन दे फ्रॉम इन दिस अर्थ एंड इन हेवन इस संसार में और स्वर्ग में भी इन जीसस नेम यीशु के नाम में आमीन आमीन माय फ्रेंड्स गॉड विल लीड योर लाइफ टुवर्ड्स दिस क्राउन ऑफ ग्लोरी आपके जीवन को इस महिमा के मुकुट की ओर परमेश्वर जो है बढ़ाता जाए एक्सपेक्ट दैट ग्रेट डे उस महान दिन की अपेक्षा करें गॉड ब्लेस यू परमेश्वर आपको आशीष दे